जॉन चीमा वेलकम बैक विद अनादर वीडियो दिस वीडियो इज अबाउट ओवरसीज वन ब्लॉक ई जिस तरह मैंने पहले सीक्वेंस ऑफ वीडियोज़ बनाई थी ऑफ ब्लॉक एल दैन ब्लॉक जे देन ब्लॉक ए देन ब्लॉक आई देन ब्लॉक एच दैन ब्लॉक जी देन ब्लॉक एफ फिर एफ की एक्सटेंशन एंड ये वीडियो है ब्लॉक ई की ये जो आ, मैप की फ्रंट साइड वाली ब्लॉक्स हैं जो फेसिंग आर वन रोड हैं जो चार डैम फेसिंग है ब्लॉक्स ब्लॉक ए से लेकर ब्लॉक ई तक अब इस पूरी सीक्वेंस में उनकी वीडियोज़ बनाऊंगा पहले मैंने जो पीछे वाली साइड फेसिंग थी यानी जो मेन फॉर फीट साइड फेसिंग थी उसकी वीडियोज़ बनाई थी डेवलपमेंट की जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वक्त ब्लॉक ई की आप वीडियो देख रहे हैं और ब्लॉक ई में जहाँ से मैंने ये ड्रोन फ्लाई किया है मैं आपको इनिशियली पहले वो पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद आगे मैं डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूँगा कि ब्लॉक ई में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है और ब्लॉक ई e में ये जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किस एरिया में फॉल करती है तो उससे आपको पूरे ब्लॉक इसमें पूरे ब्लॉक का थ्री सिक्सटी व्यू दे दूँगा आपको तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको ब्लॉक ई e में क्या डेवलपमेंट हो रही है ब्लॉक ई e की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट काउंट करें तो ब्लॉक ई e में जो आर वन रोड था जो ब्लॉक ई e तक कचरे से जाना पड़ता था आप डायरेक्ट एक्सेस बन गए जिस पर भी कार्पेटिंग काम शुरू होने वाला है बाकी कॉम्पेक्शन काम मुकम्मल हो गया तो है तो सबसे पहले मैप पर देखते हैं कि ब्लॉक ई की जो जहाँ स्टार्ट हुई वी वीडियो वो कौन सा पार्ट है और आगे आपको डेवलपमेंट के बारे में आपको मैं अपडेट कर देता हूँ इस सक्रम में ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैप देख सकते हैं जो मास्टर प्लान है जिसमें जो दो तो डार्क मैप है ये वाला मैप और ये वाला मैप ये ओवरसीज वन एंड एक्जेक्टिव वन और आज की वीडियो जो है वो ओवरसीज़ वन में ब्लॉक ई के हाले से है जिसका मैं जूम करके एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला जो ब्लॉक है इसके हवाले से लास्ट मैंने वीडियो ब्लॉक एफ़ की बनाई थी और ब्लॉक एफ़ की वीडियो में मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ब्लॉक एफ़ में किस तरह की कटिंग है किस तरह की वो लैंड है ओवरऑल तो आज की वीडियो बेसिकली एफ ई ब्लॉक किया और ई ब्लॉक सॉरी एफ ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ ई ब्लॉक किया और ई e ब्लॉक में मैं मैप को लाइट करता हूँ आपको आइडिया हो जाए कहाँ से मैंने ड्रोन फ्लाई किया था ई e ब्लॉक में इनिशियली स्टार्ट जहाँ से मैंने किया था वो ये वाला पार्ट था यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जिसके साथ ही बिल्कुल मैंने ड्रोन फ्लाई किया था और ये जो प्लॉट्स हैं ये जो ई ब्लॉक की लास्ट स्ट्रीट्स हैं इसमें आपको पूरे तकरीबन तमाम ब्लॉक से कवर हो जाएंगे जिस पर एफ़ वन ई एफ वन आर यानी स्कूल और जो का प्लाट है एफ वन आर स्टैंड फॉर रिलीजस एंड एफ वन ई स्टैंड फॉर एजुकेशन तो स्कूल और मस्जिद के प्लाट ये वाले हैं जो निचली आप फुटेज देखेंगे ट्वेंटी फोर से लेकर फोर्टी तक आपने देख लिया कि ये जो प्लाट यहाँ पे मेन रोड पर हैं उनकी भी लेवलिंग का काम मैं आपको सेटेलिट में से मैच कर देता हूँ कि लेवलिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है ये जो वाटर बॉडी वाला पार्ट है ये जो पानी वाला पार्ट है ये पीछे जो पार्क जो लीनियर पार्क बनना है उसके दरमियान में आता है इसमें कोई प्लॉट रेजिडेंशियल नहीं है अच्छा जी नेक्स्ट इसके ई ब्लॉक में डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है तो ई ब्लॉक में पास्ट में जो भी आ, अगर आप एक महीना पहले स्मार्ट सिटी की साइट विजिट करते बल्कि इनफैक्ट आपको सैटेलाइट इमेज पर वो नजर आ रहा है ये वाला डी ब्लॉक के आगे यहाँ से आगे कनेक्शन कनेक्टिविटी का पार्ट जो था वो नहीं एग्जिस्ट करता था अब ये पूरा रोड जो है मैं इस वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ ये पूरा रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल कनेक्ट हो गया और इसके साथ यहाँ पर भी लेवलिंग का काम शुरू हो गया है और ब्लॉक ई में यहाँ पर भी लेवलिंग का काम इस वक्त जो है वो भी आप वीडियो में आगे चल के देख लेंगे अगर बात की जाए ओवरऑल चार साइड्स की ब्लॉक ई के जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हैं उसमें मैं आपको मैप एक्सप्लेन करता हूँ कि वो इस सीरीज से स्टार्ट हुई थी ब्लॉक एल से फिर ब्लॉक के दिन ब्लॉक जे फिर आई फिर एच फिर जी फिर एफ एंड एफ एक्सटेंशन एक्सटेंडेड पार्ट जो था और उसके बाद ब्लॉक ई e. अब आ, इनकी वीडियोस के तमाम वीडियोस के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अभी ब्लॉक ई की बात करें कि ब्लॉक ई की चार साइड्स की कि ब्लॉक ई की चार साइड्स पे कौन सी चीज़ लोकेटेड तो है, है अगर हम बात करें ऊपर वाली साइड नॉर्थ साइड पे तो इसके यहाँ पे थीम पार्क जो आर की तरफ से बनना है वो वाली साइड लोकेटेड है अगर हम बात करें ईस्ट साइड पर तो यहाँ पर जो चहान डैम के सराउंडिंग में फैशन बोलीवर्ड लामायर उसके बाद अब मैं बात, बात करूँ यहाँ पे जो वॉकिंग ट्रैक बनना है अराउंड द चहान डैम और जितनी आप कह लें कि जितनी टूरिज्म रिलेटेड चीज़ें हैं रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट सिनेमाज और जिस तरह की चीज़ें हैं हैंटल्स यहाँ तमाम चीज़ें वो वो बनेंगी और ब्लॉक ई को ई के अपोजिट साइड पे यानी ईस्ट साइड पे तमाम इस तरह की चीज़ें लोकेट करती है। अगर तो है। हैं, e हैं।, हैं अगर हम बात करें इसके वेस्ट साइड पर तो वेस्ट साइड इसके ब्लॉक जी है वेस्ट साइड पे ब्लॉक जी में भी सिर्फ पाँच मिला के प्लॉट्स हैं और पाँच मल्ला के प्लॉट्स ई ब्लॉक में भी सिर्फ पाँच मल्ला के ही प्लॉट्स हैं बाकी एफ ब्लॉक में मिक्स कैटेगरी प्लॉट्स हैं अगर हम बात करें साउथ साइड की यानी नीचे वाली साइड की तो ब्लॉक ई e के नीचे वाली साइड पे ब्लॉक डी बनता है जो यू के बेस्ड कंपनी यहाँ पर ट्रिवलियस होम बना रही है फाइव मरला एंड टेन मरला और ये पूरा ब्लॉक जो है ये एक सेपरेट कंपनी है जैसे एक सेपरेट डीलरशिप ले और उस पूरे ब्लॉक को बनाए और बेचे ये उस तरह स्टेटस है इसमें जो आपको ये वाले पार्ट नज़र आ रहे हैं जो ये वाली डार्क ब्राउन स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं स्ट्रीट फोर स्ट्रीट फाइव स्ट्रीट फोर फाइव लेन सेवन लेन सिक्स स्ट्रीट सेवन लेन टू लेन वन इन में जो प्लॉट्स हैं ये तमाम के तमाम विलाज बन रहे हैं अभी इस वीडियो में आप कुछ देख भी लेंगे जिन विलाज पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हुई है ये फाइव मरला के विलाज हैं और इन फाइव मरला के विलाज सोसाइटी ने डायरेक्टली बना के सेल करने हैं अब उन्हें उस दिन डेवलपमेंट चार्जेस की वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने बात की थी कि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए तो स्मार्ट सिटी में जो सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ हैं वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे हैं आप इंस्टॉलमेंट पे जिस तरह प्लॉट लेते हैं आप डायरेक्टली पाँच मरला का घर सात मरला घर दस मरला घर या जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहें इंस्टॉलमेंट पर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आपके लिए उस पर डिवेलपमेंट चार्जेस नहीं है बाकी जो जो भी आप प्लॉट लेंगे रेजिडेंशियल लैंड लेंगे ज़मीन लेंगे तो उसके डिवेलपमेंट चार्जेस होंगे क्योंकि डिवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हर सोसाइटी डी एच ए गुलबर्ग बैरी सी डी तमाम सोसाइटीज़ जो हैं वो वसूल करती हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस कंपलसरी होते हैं किसी भी सोसाइटी में हो। तो आ, बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने कंपेयर कर दूंगा अबाउट द पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस जो बाकी सोसाइटी में ढाई ढाई लाख तीन तीन लाख के हैं और स्मार्ट सिटी में सिर्फ बनते उन्नीस हज़ार पाँच सौ यानी जो बंदा पोजेशन अप्लाई करेगा तो उनमें से भी उन्नीस हज़ार पाँच सौ देगा तो उसमें दस हज़ार रुपये सिक्योरिटी होगी रिफंडेबल रिफ, होगी तो ये इनके पोजेशन चार्जेस यूटिलिटी चार्जेस हैं तो जो बाकी सोसाइटीज़ में जी लोग कमेंट उसमें कहते थे डी एच ओ मुल्तान में इक्कीस लाख रुपये का है कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस पॉइंट इज़ कि जब आप उन्होंने आपसे चार से पाँच लाख रुपए वैसे ऊपर ले लेना है इन टर्म्स ऑफ पोजेशन एंड यूटिलिटी तो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो बात तो एक ही है तो ट्वेंटी सेवन लाख रुपीज़ में लड़ से आपको पाँच से छः लाख का डिस्काउंट ये यूटिलिटी चार्जेस वाले पैसे आपसे नहीं ले रहे तो कम हो के आ जाते हैं बीस इक्कीस लाख पे तो बीस इक्कीस लाख डिवाइड बाई आप कर लें ट्वेंटी तो आपका मर, जो पर महरला डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं वो आते हैं एक लाख दस हज़ार रुपया तो खैर ये डिस्कशन बाद में करूँगा फॉर द टाइम टाइमिंग ब्लॉक ई की डेवलपमेंट वापस आते हैं ब्लॉक ई में पाँच मल्ला के प्लाट्स हैं पाँच मल्ह के जितने अभी मैप स्ट्रीट्स हैं काफ़ी विजिबिलिटी हो रही होगी ये जो सेंट्रल पार्ट है सारा इस पर भी काम हो रहा है और ब्लॉक आगे एफ में बी वाला जो पार्ट है इस पर भी काम हो रहा है बाकी ब्लॉक ई को बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं है बहुत मेह ब्लॉक नहीं है ब्लॉक ई एक छोटा ब्लॉक है कंपेरिजन टू जी एंड एच जिस तरह ब्लॉक्स हैं लेकिन वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है इसको सेल ही नहीं किया गया यानी इसको सिर्फ या डायरेक्टली विलाज बना के सेल किया जा रहा है सोसाइटी ने वाले प्लाट अपने पास रखे हैं और ये वाले जो प्लाट्स हैं ये सेल किए गए हैं और ये वाले, वाले प्लाट्स सेल किए हैं जो ब्राउन बॉक्सेस आपको जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं ये वाले जो हैं ये डायरेक्टली विलाज के तौर पर सेल किए गए हैं ये प्लाट बना के सेल नहीं किए गए बाकी जो आपको लाइट कह लें ब्लू या पर्पलिश लाइट पर्पल कह लें ये जो प्लाट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ऐसे सेल किए गए हैं ओनली प्लाट्स के तौर पर तो आपसे देखते हैं जिसकी रियल टाइम फुटेज में कि यहाँ पर इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेट एक्चुअल क्या है अगेन बैक रियल टाइम फुटेज जो मैंने भी आपको मैप पे चीजें एक्सप्लेन की थी उसका मैं भी एक्चुअल आपको जो रोड जो मेन पार्ट है इस वीडियो का वो है रोड जो आर वन रोड है जो ब्लॉक ए से शुरू होता है जिसके वर्थ वन एटी फीट और ब्लॉक डी ई तक आता है और ब्लॉक डी ई के सामने इससे आगे रिवॉल्व होके ब्लॉक एफ को अटैच होता है ब्लॉक एफ तक आता है इनफैक्ट तो ये वाला सारा पार्ट है जो मैं बात करता हूँ इसके ऑपोजिट साइड पे इस आर रोड के ऑपोजिट साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो काफ़ी आपको लैंड लेवल नज़र आ रही होगी और साथ काफ़ी यहाँ पे काम होता भी नज़र आ रहा था यहाँ से एक डायरेक्ट एक्सेस रोड बनेगा टुवर्ड्स मूरत और इसके साथ जो रिंग रोड को अटैच होना है यहाँ से एक रास्ता यहाँ से निकलेगा नंबर वन और आपको पीछे जहाँ पे मशीन खड़ी हुई नजर आ रही है इनफैक्ट ये उसी रोड का आ, वो पार्ट है जो निकल के कनेक्ट करेगा विद रिंग रोड मूरत पॉइंट और इसके सेंटर में जो पार्ट आएगा वो आएगा थीम पार्क तो जिन इंडिविजुअल्स के प्लॉट ब्लॉक एफ ब्लॉक ई में है उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि उनको बाकीों की नस्बत बाकी जितने ब्लॉक्स हैं स्मार्ट सिटी में बाकीों की नस्बत मोटरवे से ईजी एक्सेस होगी और बहुत ज़्यादा ईज़िल मोटरवे पर वो जाके अटैच हो सकते हैं क्योंकि जो मोटरवे का डिस्टेंस कम होगा यहाँ से ढाई किलोमीटर के थ्रू जो अंदर से हम मूव करेंगे और तो ऊपर से अगर आप जो ओवरसीज टूल इंटरचेंज है तकरीबन तो सात आठ किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा ओवरऑल डिस्टेंस में अगर आप डिस्टेंस वाइज काउंट करते हैं बहरहाल ये हो गया जी ओवरऑल ब्लॉक ई की जो मेन रोड है आप देख सकते हैं कि तमाम रोड पर कॉम्पैक्शन मुकम्मल हो चुकी है होपफुली जब मैं सिर्फ जगह की अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा मे बी टू वीक्स थ्री वीक्स बाद तो इस एरिया में तब तक कारपेटिंग भी हो चुकी होगी राइट साइड पे उस दिन मुझे लास्ट वीडियो मैंने जब बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सेंटर में कुछ वो खेत वगैरह नज़र आ रहे हैं और सारा कुछ उसमें भी मार्क भी कर दिया आप देख भी सकते हैं कि वो जो खेत वाले पार्ट थे हाफ पार्ट तो तकरीबन लेवल्ड हो गया और हाफ पार्ट रह गया है और ये अगली वीडियो में होपफुली ये हाफ पार्ट भी खत्म हो गया होगा तो ब्लॉक ई की जो ओवरऑल डेवलपमेंट का मैं थ्री सिक्सटी देने का मकसद आपको ये है कि आप लोगों से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है कि आपको आपसे छुपाई जाए चीज़ें ऐसे हैं मैं हर चीज़ गूगल और सेटिलाइट तमाम चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको एक्जैक्ट कॉर्डिनेट्स का आइडिया हो सके जिस इंडिविजुअल ने प्लॉट जिससे भी खरीदा है या जिस जहाँ से भी खरीदा है जैसे भी प्लॉट खरीदा है तो उस बंदे को पता होगा यार मैंने प्लॉट एक्सेस करना है अगर मैंने साइट पे पहुंचना है तो मैंने विज़िट करना है तो क्या रास्ता बन सकता है तो इस पूरे कॉर्डिनेट की एक्सप्लेनेशन का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग इट्स सेल्फ विज़िट करें इंडिपेंडेंटली आप जाके साइट पे देखें कि जहाँ आपने प्लॉट खरीदे हैं जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उस जगह प्रॉपर्टी का स्टेटस डेवलपमेंट क्या है मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी वीडियोज़ बना सकूँ बनाऊँ बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टन रीजनस इतना टाइम नहीं बन पाता कि मैं रेगुलरली एक दिन की दो दो तीन तीन वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ मैं दो दिन तीन दिन बाद ट्राई कर लेता हूँ अपलोड करने की लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रूटीन का जो डेवलप रूटीन का जो काम चल रहा होता है ऑफिस में वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है तो उसमें इतना चीज़ नहीं बैलेंस हो पाती कि मैं इतना वीडियोज़ के लिए टाइम निकालूँ तो जिन लोगों ने प्लाट्स खरीदे हुए हैं ब्लॉक ई में ब्लॉक एफ़ में, में अब उनके पास एक डायरेक्ट रास्ता पॉसिबल है वो जाके एग्जैक्ट अपने प्लाट पर खड़े हो सकते हैं कि हाँ ये प्लाट मेरा है उसको उनको एक कंपेरिज़न के तौर पर एक फील नज़र आ जाएगी कि हाँ ये पहले एरिया ये था अब एरिया ये है इस एरिया में क्या चेंजेस आए हैं इन द रीसेंट डेज बाकी अगर आपने टेली को तो आप इसी चैनल पे पुरानी वीडियोस देख लें ब्लॉग ई की तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तीन महीने या चार महीने पहले इसका कंपैरिजन क्या था यहाँ पे क्या स्टेटस डेवलपमेंट का और आज यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है टुडे so, अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मैं नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ बिफोर क्लोजिंग द वीडियो अगर आपको पीछे ब्लॉग ये कुछ लेवल पार्ट जो है यह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ब्लॉक एफ़ का जो कुछ पार्ट है ये वो वाला पार्ट है और अभी यहाँ पे इस पार्ट में भी काफी ज्यादा स्पीड से मशीनरी मूव करना शुरू कर गई है तो ब्लॉक एफ भी मोस्टेक्ट एक्सपेक्टेडली अगले छः महीने के अंदर अंदर वो भी डिलीवर हो जाएगा सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़